इनका स्वागत करें। अब आदरणीय एमपी साहब आपको संबोधित करेंगे, हनुमान जी बेनीवाल। ठीक, एमपी साहब, नेचुआ के अंदर दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। सालासर दरबार की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। नेचुआ के अंदर मैं जब भी इस इलाके के अंदर आया, आपने जानदार शानदार स्वागत किया। और पिछले 20-25 साल से छात्र राजनीति से लेके जो लंबा संघर्ष मेरा रहा, उतार चढ़ाव रहे जीवन के दौर के, राजनीतिक उतार चढ़ाव रहे, इस पूरे इलाके का आशीर्वाद किसान के बेटों का, सर्व समाज का हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ये शेखावाटी की वीर धरा है जिसने देश के अंदर बड़े उद्योगपति दिए। आज मारवाड़ी सेठों की बात अगर चलती है देश के अंदर तो शेखावाटी को याद किया जाता है। शेखावाटी की हवेलियों को जब लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं तब उन्हें देश के उन धन्ना सेठों की याद आती है, उन उद्योगपतियों की याद आती है कि उनकी कर्म भूमि, उनकी जन्मभूमि ये इलाका था। जब देश के संघर्ष को याद किया जाता है, जब देश की सादत को याद किया जाता है तो शेखावाटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा आता है कि 62-65-71 आजादी का आंदोलन और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर राजस्थान के अंदर किसी ने दी तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, देखिए कोई व्यवस्था अगर बदलनी है उसके लिए सत्ता का संकल्प लेकर निकलना होगा। पिछली बार 18 के अंदर हम पार्टी जब बनाई थी तब उनमें हुकार रैलियों के माध्यम से हुकार भरी, प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, खेत खेत सिंचाई का पानी, बेरोजगारी को हटाओ और किसान को बचाओ, हुकार रैलियों के माध्यम से जब सीकर की रैली हुई थी तो डरी हुई वसुंधरा सरकार ने 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 की बिजली माफ की घोषणा भी करी थी। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम था। बाद में पार्टी बना के आपके बीच आया और इस प्रदेश के अंदर ये सौभाग्य अगर किसी को मिला, इस प्रदेश के अंदर अगर किसी किसान के बेटे ने किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष के बाद एक पार्टी का निर्माण किया और आपके बीच ये जो बोतल का चिन्ह दिखाई दे रहा है दोबारा लेके आया, 18 में बोतल के चिन्ह के साथ आया था, लक्ष्मणगढ़ में लड़ा नहीं था बोतल का चिन्ह। कई कारण थे, नई पार्टी थी, पिछली बार कई परिस्थितियां हमारी ऐसी थी, कई लोग संपर्क नहीं कर पाए, लोगों में लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती, लोग टिकट मांगते हैं, टिकट की दौड़ के अंदर रहते हैं। हर व्यक्ति यही कहता है कि थोड़ा दिन रुक जाओ, कहीं डब्बे टिकट नहीं मिलते, इस साइड में आ जाओ, थर साइड में। तो मैंने कहा मैं रुकते रुकते कितने रुकूंगा, 15-20 साल से तो रुक ही रहा हूँ, बाद में मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा धीरे धीरे, लड़ाई की उम्र होती है। लेकिन मुझे राजस्थान के अंदर मजबूत लड़ाके नहीं मिल रहे, लोग राजनीति को व्यापार का रास्ता समझ रहे हैं। ये लक्ष्मणगढ़ कोई विकास नहीं, यहाँ पे कोई गलतफहमी मत रहना। आप कहते यहाँ का प्रदेश देख सकते कांग्रेस पार्टी का, खींचर में जाकर देख लो, लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा विकास खींचर विधानसभा। भाइयों हाँ, एक चीज जरूर हुई है, अभी लक्ष्मणगढ़ की पहचान बनी, ईडी लक्ष्मणगढ़ में आ रही है। आप लक्ष्मणगढ़ के अंदर नहीं आई थी और लक्ष्मणगढ़ की गलियां ईडी छान रही, बढ़ा लक्ष्मणगढ़, आगे बढ़ता लक्ष्मणगढ़, आगे बढ़ता सीकर इस मामले में बढ़ रहा आगे। और आप मत सोच रहा कि बहुत आगे आप लोग बढ़ गए। और दोबारा जो भाजपा में आए, पहले कांग्रेस पार्टी का दामन थाम के
कभी गहलोत के घर, कभी पायलट के घर, उम्र में पायलट उनसे छोटा, फिर उसको नेता मान रहे थे, बीजेपी के अंदर सब कुछ मिला, छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन की, वापिस छोड़ दी, वापिस भाजपा, कितना कुछ होगा ये तो बताओ मुझे आप, आखिर कब तक ऐसे लोगों को सहते रहोगे? ये मिला जुली का खेल नहीं तो और क्या है? एक भाई लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी, दूसरा जेजेपी, तीसरा चौथा पांचवा उस पार्टी के अंदर। अरे भाई क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो कोई पॉलिटिक्स कर रहे हो? ये तो व्यापार हो गया, तो अगर व्यापार करना है तो फिर व्यापार करो। हमारे कितने व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, तब वो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि व्यापार में घाटा भी हो सकता है, क्योंकि मेन काम फिर राजनीति होता है। राजनीति में लोग सेवा के लिए आते हैं। हनुमान बेनीवाल अगर व्यापार करता, एक जमाना था 2003 जब लक्ष्मणगढ़ के अंदर राजनीति थी नहीं, तीन की बात बता रहा हूँ, अब जब आए हैं जो लोग आठ के बाद आए और अपने आप को देश का प्रदेश का सबसे बड़ा नेता समझते हैं, भाषण देने से और बातें करने से नेता नहीं होता। जब मैं सड़क पर चलता हूँ 1000 गाड़ियां साथ चलती है, उनके 13-14 गाड़ी भी नहीं चलती, पता कर लेना। और मैं लड़ता हूँ, मेरा संघर्ष आपने देखा, एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, लड़के छात्र संघ के चुनाव अभी बंद हुए, कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है, कोई बोला क्या एक भी नेता? कोई नहीं बोला। एक व्यक्ति जिसको पीड़ा थी, वो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उसने कहा कि मेरे छोटे भाई तकलीफ में, एक महीना मैंने बच्चों के लिए सड़कों पर रैलियां निकाली। तब कांग्रेस बीजेपी टिकट बांट रही थी, जब कांग्रेस बीजेपी के लोग टिकटों के सौदे कर रहे थे, टिकटों की बोली लगा रहे थे कि मेरे 5 करोड़ खर्च हो गया, 10 करोड़ हो गया, लेन देन करके सेटलमेंट कर रहे थे। लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक भाई और चुनाव लड़ता था पहले आपके, उसको पता किया, बोले मार तो खर्चो बड़ो होगा, तो हमने थोड़ी कहा तेरे खर्चा लगाने के लिए, बोले मारो खर्चो दे भी किसा के जाऊं, तो ले ले खर्चा चला जा, कौन पूछता, ये तो वोट अपना डाल देंगे लोग, वोट किसी की मुफ्त नहीं होती, वोट किसी की मुफ्त नहीं, वोट की ताकत आपकी खुद की ताकत है। भाइयों मेरे जैसे लड़ाका दोबारा आपको नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। अगर किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ के हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं को एहसास कराया कि लड़ाका इस देश के अंदर कोई किसान का बेटा है, उत्तरी भारत में नागौर का सांसद है जो मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के सड़क पर किसानों के साथ खड़ा, अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया, शेखावाटी के भाइयों से तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसान और जवान का नारा यहाँ लगा, अग्निपथ का विरोध देश के अंदर किसी सांसद ने किया, नागौर के सांसद ने किया, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, पहले 25% अग्निपथ वालों को रख रहे थे, डरते हुए मोदी ने 50% आधों को रख लेंगे, आधों को वापस भेज देंगे, एक बार ललकार और करेंगे निश्चित रूप से अग्निपथ भी वापस होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों समय बहुत कम है, कांग्रेस बीजेपी के लोग तो टिकटें बांट रहे हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, जनता का लूटा हुआ पैसा दुनिया भर का, उनको टिकट बांटने में जोर ही नहीं आता, टिकट बांटनी तो है, एक बार नहीं हारेंगे तो जीत जाएंगे, तो अगली बार हार जाएंगे, हारे को जीता देंगे, इनका सिस्टम है सारा सारा, सुबह किसी को दुपट्टा पहनाते हैं, शाम को भाग जाता है, उसको पकड़ के उसको ले आते हैं, परिवार को ले आते हैं, ये कांग्रेस बीजेपी है। एक व्यक्ति पार्टी बना के लड़ रहा है, उसको चिंता है कि सत्ता संकल्प यात्रा जो मैंने शुरू की बीच में नहीं रुकनी चाहिए, कहीं शेखावाटी के लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी का रथ तो खाली मारवाड़ में चल रहा था, शेखावाटी में भी चल रहा है, मैं ये चिंता नहीं कर रहा, टिकटों में 2-4 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन सीकर झुंझुनू के अंदर भी सत्ता संकल्प यात्रा जा रही है, बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर में भी जाएगी, और ये रथ अजमेर से उदयपुर टोंक ओतावा राजधानी के अंदर भी जाएगा। मैं आपको इतना ही आह्वान करूंगा, थोड़ा समय का आप भी ध्यान रखें, मैं तो वैसे ध्यान रखता हूँ, मुझे सोता हुआ देखोगे आप 4 बजे, ये भगवान की कृपा है। ये विजयपाल मेरे साथ खड़ा है, ये कह रहा भाई साहब खाते कब और सोते कब, मैंने कहा अगर मैं ये खाने और सोने की चिंता करता तो मैं डोटासा जी की तरह मेरा वजन नहीं बढ़ जाता इतना ज्यादा, कितना वो चिंता करता है, शरीर का बहुत ध्यान रखता है, योगा प्राणायाम सारा सब ना रखना भी चाहिए, व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति अगर शरीर का ध्यान रखेगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपके ध्यान के लिए आया हूँ धरती पर, क्योंकि शरीर का ध्यान रखने वाले तो बहुत से लोग थे राजस्थान में, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने
किसान का ध्यान रखा, जवान का ध्यान रखा, पूरी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी राजस्थान के अंदर। भाइयों वक्त आ गया है कि राजस्थान के अंदर आपको अदला बदली की सरकारों को बदलना होगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार नहीं हो। किसान का बेटा रोजगार के अभाव के अंदर हाथ में बंदूक लेके गैंगवार के अंदर शामिल नहीं हो। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या नहीं करे। मेरे सपनों का राजस्थान, स्थानीय लोगों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त, अगर आप चाहते हो तो एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दें। कोई कुछ भी अफवाह फैलाए, सीटें जब निकलेगी, सूची जारी होगी, तो लक्ष्मणगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये मजबूती के साथ आपको बीच में चलाए। मुझे पता है कई लोग ऐसी बातें कहते होंगे कि हनुमान जी से बात हो गई। हाँ बात हो गई होगी। हनुमान जी सालासर बालाजी का सब प्रणाम करते हैं, मैं भी जयकारा लगाता हूँ। अगर मेरा कोई प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है। एक बीजेपी का नेता मिला, बोले साहब ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा क्या कर दिया कि बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं, वहां भी आपकी बात करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं कि वो एक ही बात कहते हैं, टिकट तो आपको दे दें लेकिन जब आरएलपी आएगी तो उसको मैनेज कैसे करोगे। तो कह रहे साहब हनुमान जी से बात कर लेंगे। कि वो बात नहीं करेगा फिर, बोले फिर साहब हार जाएंगे और क्या करेंगे। सही बात। और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी सम्मान की बात कोई नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी में भी टिकट ले जरूर रहे हैं लेकिन थर थर टांगे कांप रही उनकी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन आरएलपी के इस नेता की, आपके भाई की, आप देख रहे हो बिना चिंता का। चिंता तो मुझे जब हो, जब मेरे पास पैसा हो, ईडी की चिंता होगी, ईडी आ जाएगी। है ही नहीं, चेकिंग करो तो क्या मिलेगा, 15-20 रुपए। कभी आपसे फंडिंग नहीं करी, चंदे की रसीद नहीं काटी। ये तो चिंता करो कि किस तरह घूम रहा हूँ, भाग रहा हूँ अकेला व्यक्ति इस राजस्थान को बचाने के लिए। और 4-5 साल जब दिल्ली में था, यूपी बिहार हरियाणा के सांसद कहते हैं अरे कहाँ राजस्थान में दम है, मैं तो एक बार कांग्रेस एक बार की फालतू की बात करते हो। मैं कहता हूँ नहीं, राजस्थान इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएगा और नया राजस्थान बनेगा। क्षेत्रीय पार्टी राज के अंदर आएगी। अकेला लड़ रहा हूँ पूरे देश के एमपी से। भाइयों मैंने कोशिश की कि राजस्थान का मान और सम्मान बढ़े। और मैंने प्रयास किया कि दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हो, नए किसान के बेटे सत्ता के अंदर आए। ठेका नहीं ले रखा ये वंशवाद की राजनीति करने वालों का, उन लुटेरों का जिन्होंने 70-70 साल सीखकर नागौर जोधपुर को लूटा। दादाजी पड़दादाजी क्या करोगे, दादाजी पड़दादाजी से तकलीफ हम लोगों को। सड़क पर जाओगे तो टोल देना पड़ेगा, थाने में जाओगे तो बेइज्जती होगी आपकी। कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है और लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं लोग, नोट छोड़ जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। और मैं उनको कहता हूँ सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता, आत्महत्या तो उनको करनी चाहिए जो जनता को लूटते हैं। गरीब आदमी क्या करता है, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो बेचारा आत्महत्या कर लेता, चिट्ठी छोड़ जाता है। मेरी जिम्मेदारी किसी की नहीं है और मैं सिस्टम से तंग आके आत्महत्या कर रहा हूँ। कई किसानों ने इसलिए आत्महत्या करी कि कर्जा ज्यादा बढ़ गया। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट के अंदर किसान आत्महत्या करता है। तब हमारे बीजेपी के उस नेता का बयान आता है, एक बड़े नेता का, कि ये तो स्वाभाविक बात है, आत्महत्या तो होती रहती है। बताओ मुझे कहा लोकसभा के अंदर कि आप अगर 7 स्टार में खाना खाओगे तो 7 स्टार का बिल देना है और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का बिल दे दो। अच्छी रोड पे चलोगे टोल देना पड़ेगा और अच्छी रोड पे नहीं चलना चाहते टोल मत दो। ये किस तरह का जवाब है मंत्रियों का, आप बताएं मुझे, कौन चिंता करेगा। कांग्रेस ने 5 साल लूट खसोट करके अब यात्रा चालू कर दी 12 से, किस चीज की यात्रा निकालने बताओ मुझे। बीजेपी 5 साल कांग्रेस के साथ लूट खसोट में रही और गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। दिया कि नहीं दिया, मैंने नहीं दिया था। तब मैं तो सरकार गिरना में उस समय साथ था। भाइयों इन सब बातों को अब भी अगर नहीं समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम में और आप में कोई अंतर है। मुझे ये लगेगा हम पॉलिटिकल रूप से ज्यादा मजबूत हैं। मैंने आपको एक ही बात कह दी कि मारवाड़ से आरएलपी का तूफान चलेगा, शेखावाटी की धरती पे सुनामी बना दो और जयपुर के अंदर राज अपना लेके आओ। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आरएलपी के साथ जो जवानों की ताकत है, किसान सर्व समाज दलित मुसलमान की जो ताकत है, क्योंकि जहां भी मोर्चे बने पार्टियां बनी, दलित और मुसलमान साथ आया, एक बड़ी जाति साथ आई, तब जाके पार्टियां बनी। हाँ ये सही है
व्यवस्था को बदलने में समय जरूर लगता है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वो लोग तो हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं, मजबूत है, वीर भूमि है, तो वीर भूमि वालों को तो जरूरत क्या है, तैयार हुए। बोर्ड तो भी बहुत दूर है, आज से ही तैयारी कर लो कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर आलपी पार्टी आ रही है, चुनाव लड़ेगी, वोट डालना है, ये काम आपको करना है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करो जब तो फिर मैं भी जाके सोऊं, टाइम पे क्यों खराब हूं रात को, कोई दूसरा इलाका पकड़ लूं। हैं आरएलपी की अगर मदद करोगे, वो तो आप कह ही रहे हो, एक नारा ये भी लगाओ हनुमान जी आप नींद लो ताकि तबीयत ठीक रहे आप, नहीं तो बीच में गाड़ी पंचर हो जाएगी मेरी कहीं नहीं चलते हुए। आप सबको धन्यवाद, विजयपाल को विशेष रूप से पूरी ताकत के साथ, रुक जा भाई, यह लगा हुआ है पूरी हमारी टीम है, प्रिया सिंह मेघवाल जो हमारी बॉडी बिल्डर है अंतर्राष्ट्रीय, उसका भाषण में इसलिए नहीं करा पाया, लक्ष्मणगढ़ में लेट हो रहा हूँ, दोबारा आपके बीच आऊंगा, जब मेरे प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए आऊंगा तब मैं हूँ। इंदिरा बावरी मेरी मेड़ता की विधायक, इंदिरा बावरी जी आपके बीच है, सीताराम जी नाइक आपके बीच है, भाई विकास महेंद्र जी सीकर की पूरी टीम, और लक्ष्मण ये हमारा नेचवा दिलसुख, और अभी करवाया था ना कार्यक्रम, बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने कराया, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। जवान हर क्रांति के नायक थे और इस बार राजस्थान के जवानों ने ठान ली, इस बार 90 लाख जो वोट जुड़ा है उन्होंने ठान ली कि हमें बदलाव करना है, हमें उस पार्टी को वोट करना है जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खात्मा करे, नए राजस्थान का निर्माण करे। आप लोग फैल जाओ, बात को समझदार से काम लो, लोग कई तरह की बातें करेंगे, नोटों के थैले भी लेके आएंगे, जातिवाद की बात भी करेंगे, लेकिन जीत के जाने के बाद वापिस नहीं आएंगे, ये भी सोच लेना। अब सोचना है ये अंतिम लड़ाई है, और अंतिम लड़ाई में अपने भाई का आपको सहयोग करना है, बोतल का चिन्ह है, बोतल को जिताओ और लक्ष्मणगढ़ को आजादी।